नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा, आज मैं आई हूँ सिरसा में। जी हाँ, सिरसा जिसे कहा जाता है बाबा राम रहीम की नगरी। सनसनी केस खुलासा करेंगे हम अपने इस वीडियो में कि आखिर ऐसा क्या है कि जो लोग अब तक डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं, हम जानते हैं उन लोगों से जो अब तक आए जा रहे हैं, मीडिया के इतना कुछ दिखाने के बाद भी इतना कुछ हो गया। तो सर, क्या नाम है आपका? नाम मेरा इंसान। तो सर, आपको कितने साल हो गए यहाँ आते? मेरे को 18 साल हो गए। सर, 18 साल में आपने ऐसा क्या देखा? आप मुझे पहले तो बाबा राम रहीम जी के बारे में बताइए, उनका रहन सहन कैसा था, वो लोगों से किस तरह से मिलते थे? क्योंकि मीडिया के द्वारा ही लोगों ने बाबा राम रहीम जी को जाना है कि ऐसे ऐसे थे, वो बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीते थे, बहुत पैसा था उनके पास, जो भी जैसा जैसा मीडिया ने बताया, सिर्फ उसी के जरिए ही लोग जान पाए हैं। तो आप 18 सालों से आ रहे हैं, आपको कुछ तो पता होगा बाबा जी के बारे में। बिल्कुल, मुझे पूरा पता है कि हम 18 साल से आ रहे हैं, यहाँ पे एक रुपया नहीं लिया जाता। इस बारे का सवाल तो ये मीडिया जो कह रहे हैं ना, इतना पैसा आता ही आता, सब कुछ इनके हलाल मेहनत की कमाई है। एक एक रुपया मेहनत का है और उसी मेहनत के पैसे से एक एक रुपया गरीबियों की सेवा में, शादी करवाना है, जो भी हॉस्पिटलों में इलाज होता है, सब गुरुजी की मेहनत का पैसा होता है वो। और पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप कह रहे हो गुरुजी की मेहनत का पैसा, तो क्या गुरुजी खुद भी कमाते थे, मेहनत करते थे? बिल्कुल, हार्डवर्क करते थे गुरुजी, खेती करते हैं गुरुजी, अपने 12-12 घंटा 24-24 घंटा खेती में हार्डवर्क करते थे। गुरुजी को ये सब भी आता है? बिल्कुल, सारा कुछ आता है, हमने देखा है, हम साथ काम किए गुरुजी के साथ, और मूवी बनाते थे, मूवी के अंदर भी हार्डवर्क होता ही है। एक बॉलीवुड इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसके अंदर सारे होते हैं। एक गुरुजी होते हैं जो डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है और संगीतकार भी है, सारे कुछ करने के बाद भी वो भी तो मेहनत ही है, उससे भी पैसा है, जो भी गुरुजी ने ट्रस्ट में दिया गया पैसा सारा, और उस पैसे से ट्रस्ट चलता है। ये तो आपको भी पता है कि एक रुपया किसी ने आज आप कहीं पर किसी से पूछ सकते हो, आप संगत से अगर एक रुपया कहीं किसी ने वहाँ पर दिया हो। तो मतलब आप लोग इतने लोग जो भी आते हो, आपसे किसी तरह का दान चढ़ावा लिया जाता हो या ऐसा वैसा कुछ भी जिससे ये ट्रस्ट चलता हो, या मतलब बाबा जी अपने लिए कुछ पैसा लेते हो, ऐसा कुछ? ऐसा है जी, एक डेरा सच्चा सौदा एक ऐसा यूथ है कि वहाँ पर एक रुपया नहीं लिया जाता, बिगर निस्वार्थ होकर यहाँ पर सारा काम किया जाता है, और ना कोई यहाँ पे ऐसा कोई भ्रष्टाचार वाली मीडिया ने जितना भी आपके बताया गया सब मतलब छोटी बकवास है। सर, उसमें कुछ तो सच्चाई होगी जो मीडिया ने इतने स्पेशल एपिसोड्स बनाकर दिखाए हैं, आप कुछ तो मतलब बताइए मुझे उस बारे में। मैम, ऐसा है कि हम 18 साल से आ रहे हैं, मीडिया एक दिन में कितने कैसे देख ले? जब हम जो 18 साल से हम देख रहे हैं, हमने एक गुफा तक जाके देखा है, हम गुरुजी के साथ रहे गए हैं, आए गए हैं, हर सत्संग में आते हैं, अटेंड होते हैं, तो हमने तो आज तक ऐसा कुछ देखा ही नहीं, तो उन्होंने कहाँ से देख लिया? आपने देखा, आप भी चलो, हम दिखाते हैं आपको गुफा के अंदर क्या है। पर सर, मैंने तो सुना था कि गुफा में ऐसे हमें नहीं जाने दिया जा सकता, कुछ बैरियर्स लगे होते हैं बड़े बड़े, मतलब कुछ लोग ही वहाँ जा सकते हैं, उस बारे में क्या? ऐसा कुछ ही नहीं है, देखो गुफा के अंदर है तो नहीं है कि आप एक साथ में 1-2 करोड़ संगत एक साथ घुस जाएगी, वो तो है नहीं है। मतलब यहाँ सिर्फ कुछ लोगों को ही जाने दिया जाता था या बहुत लोग भी जाते? अपनी अपनी किस्मत का सवाल है, कौन जा सकता किसी किस्मत में है, ये तो वही जानता है, वो तो वही जानता है मालिक ही। तो क्या आप कभी उस गुफा में गए हैं, क्या बात कर रहे हैं? वहाँ पे कुछ भी नहीं है गुरु जी, अब तो खैर मैं 3-4 साल हो गए, 5 साल पहले जाते थे गुरु जी अपने नीचे सोते थे, बेड तो लग्जरी बेड तो बहुत दूर की बात है, नीचे सोते थे गुरु जी और अपना काम खुद करते थे, झाड़ू लगाना सो जो भी काम करना, किसी से कोई सेवा नहीं लेते थे। सर, ये क्या बात कर रहे हैं आप, गुरु जी हो गए वो अपना काम मतलब ये सब झाड़ू वाड़ू लगाएंगे? अपना काम खुद करते थे, कोई वहाँ पर कोई सेवादार इस तरह से नहीं था। सर, मैंने जहाँ तक मुझे पता है गुरु जी एक एक्टर भी हैं, उन्होंने मूवीज बनाई है, तो वो झाड़ू क्यों लगाएंगे सर? अपनी जगह पे हम लगाते थे, वो जस्ट सोते थे गुफा के अंदर, अब वो झाड़ू भी लगाते थे, अपने रहते थे, साफ साफ अपनी साफ खुद रखते थे। कई लोगों ने कहा लग्जरी लाइफ जीते ना, उसके लिए मैं सवाल किया है ना आपको, इस बारे में आप देखो वहाँ जाके कौन सेवादार खड़ा है वहाँ पे, तो गुरु जी के बारे में तो बहुत कुछ बोला गया है, लेकिन ऐसी एक भी चीज़ मुझे साबित करके दिखाया था मीडिया तो मैं मान सकता हूँ, एक भी जितना बोला गया उसमें एक चीज़ साबित नहीं है। तो ये थे हमारे साथ वो लोग जिनका ये कहना है कि हम 18 सालों से आ रहे हैं, जो चीज़ हमने नहीं देखी तो वो मीडिया मैंने एक दिन में कैसे देखी, और वो ये भी दावा करते हैं कि जो मीडिया ने इतना कुछ दिखाया है, अगर वो उसमें से किसी एक चीज़ को भी साबित करके दिखा दे तो ये उस चीज़ की गारंटी लेते हैं कि ऐसा वो चीज़ हो ही नहीं सकती है। तो हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई, हम लेकर आते रहेंगे आपके सामने ऐसी ही सच्ची घटनाएं जो लोगों के जाने के विचार, आखिर में सच्चाई क्या है बाबा राम रहीम के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में, जानते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।